अरुण जी की वीडियो देखी थी एंड मैं उनके पास लेके आया, तो उन्होंने 2 घंटे लगाए हैं, तो नीचे एसी के टेम्परेचर कंट्रोल आ रहे हैं, मेरा मेन पायोनियर का सिस्टम चल रहा है, स्पीकर्स का चल रहा है, ओरिजिनल सिस्टम ये है, सब्सक्राइब करिए। ओके, टू कपलर है, कोई भी वायरिंग कटिंग नहीं हुई है, ये देख रही है, तो वो भी हम तो लगभग यहाँ से है। इसको मैं अगर प्लस करता हूँ तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये है ब्लू पंखा सिस्टम एंड ये किसी ने लगाया था। तो इसमें क्या हुआ है कि जो ये है ये पूरा कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, तो ये ऐसे ही लगा के दे दिया है। तो अभी हम इसमें कैनवस लगाएंगे और इसकी वायरिंग भी चेक करेंगे कैसे कैसे हुई है। तो कैनवस है, कैनवस भी हम लेके आ रखे हैं इसका, जो कि देख सकते हो कुछ इस टाइप का कैनवस होता है, ये पूरा इसका कैनवस है। ये है होंडा एकॉर्ड गाड़ी, तो इसमें देख सकते हो ये कैनवस है। तो अभी इसको कर लेते हैं हम ओपन, ओपन के बाद आपको दिखा देते हैं क्या क्या फीचर्स है इसमें और क्या क्या चलेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। खुलने के लिए सबसे पहले ये वेडिंग होती है, ये वेडिंग निकलती है, उसके बाद ये निकलती है, क्योंकि जो इसके स्क्रू होते हैं वो इसके नीचे होते हैं, तो वो भी मैं दिखा दूंगा। पहले मैं निकाल लेता हूँ इसको वेडिंग को, ये स्क्रू होते हैं एक बार, तो ये भी हमको खुलने हैं। अभी खुलने के बाद ये पूरा सिस्टम आएगा बाहर। इसको ओपन करने के लिए ये ग्लो बॉक्स भी खुलेगा, और ये खुलने के बाद इसके नीचे स्क्रू होते हैं जो भी हम दिखाते हैं आपको। एक सेकंड निकाल लूँगा, एक और दो, ये ओपन होंगे उसके बाद इसको हम निकालेंगे। ये होंडा एकॉर्ड एंड कैनवास सेटिंग, एंड इसमें जाना पहले सिंग में, उसके बाद होंडा, ये है एट है एंड्रॉइड एट पब्लिक, उसके बाद ओके, वो मैंने किया हुआ है। बाकी जैसे हम डोर खोलते हैं तो डोर दिख गया, वो लेफ्ट राइट का हो जाएगा। और जैसे कि अभी हम एसी चलाते हैं तो पूरा एसी का डिस्प्ले ये आ गया, ये पूरा कैनवास वर्क करने लग गया इसके अंदर। ये ऑटोमेटिक होंडा एकॉर्ड, जो कपलर टू कपलर ये लग चुका है, ये कपलर टू कपलर है, कोई भी वायरिंग कटिंग नहीं हुई है, ये देख सकते हो ये भी कपलर है। एंड जो इसका ये कैनवास है, क्योंकि सर ने जो कैनवास था वो डिस्कनेक्ट करा दिया है, क्योंकि इनको इसमें डिस्प्ले नहीं चाहिए थी, डिस्प्ले यही चाहिए थी, तो अब फिर से हमने ये ऑन कर दी है, तो वो भी हम चेक करा देंगे आपको। जो इसकी डिस्प्ले की वायर थी वो ये है जो कि यहाँ कनेक्ट होती है। तो अभी हम इसको पूरे को पैक कर देते हैं, पैक करने के बाद उसके बाद आपको जो इसका सिस्टम है, सिस्टम देख सकते हो, जैसे हम भी हमने प्ले किया, ये एप्पल का प्ले है, तो इसका जो कंट्रोल है वो यहाँ से है, ये देख सकते हैं नेक्स्ट भी हो जाएगा, और ये पूरा कंट्रोल यहाँ से होगा। ये बोले में ये ऑक्स पे जाके हुआ है, तो इसको जब हम ऑक्स पे सेट करेंगे तो ये हो जाएगा। एंड जो डिस्प्ले है एसी की, अब इसमें नहीं आएगी, वो इसी के अंदर आएगी, वो जो हमने कैनवास था वो डिस्कनेक्ट करके सिर्फ आउटपुट दिए सिस्टम से जो कि यहाँ से वर्क करे। ये देख सकते हो ये है डिस्प्ले एसी का, ये भी पूरा वर्क कर रहा है, ये देख सकते हो, एंड टेम्परेचर का भी कर रहा है इधर। तो ये पूरा एसी का जो रहेगा वो ये रहेगा, जो डोर का है वो मीटर में आता है, ये देख सकते हो, ये पूरा दिखा रहा है, लेफ़्ट का डोर खुला है तो लेफ़्ट का दिखा रहा है। जो अगर कैनवास इसमें अगर अटैच कर होता तो ये सारी डिस्प्ले ये बनती, ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाती। तो चलिए बाकी ये देख सकते हो सिस्टम है पूरा, ये कंट्रोल हो रहा है, वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम यहाँ से भी कंट्रोल हो सकता है क्योंकि इसके रियर में भी है, ये देख सकते हो। एक सेकंड मैं पहले गाना चेंज करता हूँ, गाना चेंज किया, म्यूजिक लगा दिया, जो ये कंट्रोल है इसका साउंड सुनाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड, ये देख सकते हो कम हो गया, एंड इसको मैं अगर प्लस करता हूँ तो देख सकते हो ये पूरा यहाँ से प्लस हो रहा है, माइनस, तो इसका ये रिमोट भी वर्क करेगा, देख सकते हो भैया के अलग हाथ हैं, ये मैं इधर से कर रहा हूँ, ये देख सकते हो फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब, जैसे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते हैं। जो अपनी अकॉर्ड थी वो हो चुकी है, जो हमारे सर थे ये लेके आए थे गाड़ी को, तो ये बताएंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी और कैसे कैसे हुआ है ये, तो सर बताइए। सो इशू क्या था, सबसे पहले जो इसकी ओरिजिनल स्क्रीन थी उसमें शॉर्ट हुआ था एंड ये नीचे वाला तंग कर रहा था, तो बैटरी ये पी रहे थे, तो स्क्रीन लगवाई थी, तो उन्होंने क्या किया, उनको समझ नहीं आया कुछ, तो उन्होंने मेन सिस्टम डिस्कनेक्ट करा
एंड इसको ऑन कर दिया जुगाड़ से और नीचे वाले सिस्टम को भी जुगाड़ से। तो उसके बाद इन्होंने इसको जुगाड़ से ऑन किया और इसकी वायर छील छील के इन्होंने किया काम, जिसकी वजह से कार जब ऑफ होती थी तो भी ये काफ़ी करंट खींचती थी तो ओवरनाइट डिस्चार्ज हो जाती थी। तो फिर मैंने अरुण जी की वीडियो देखी थी एंड मैं उनके पास लेके आया तो उन्होंने वायरिंग मेरी सारी ठीक कर दी है। 2 घंटे लगाए हैं। तो नीचे एसी के टेम्परेचर कंट्रोल्स आ रहे हैं, मेरा मेन पायोनियर का सिस्टम चल रहा है एंड यहाँ से मैं सब कुछ कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मैं चाहूँगा ये पूरा स्पीकर्स का चल रहा है। ओरिजिनल सिस्टम ये है जिससे अगर हम म्यूट करना चाहें तो हम यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ जो थी इसमें, जो मैंने कैनवस लगाया वो आपने वीडियो में देख लिया होगा, कैनवस जो लगाया, क्योंकि अगर कैनवस टू कैनवस, अगर कपलर टू कपलर कोई भी काम होता है कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेरा कोई वीडियो में ये डालने का कोई वो नहीं है कि मतलब मैं किसी को ठेस पहुंचा रहा हूं या कुछ ऐसा है, सिर्फ मैं दिखाना चाहता हूं जहां भी काम हो अपना कपलर टू कपलर कराइए। अगर आपको लगता है कि सक्सेस है और अच्छा लग रहा है तो आप कराइए, वरना नहीं। तो ये सिर्फ चीज़ देखी जाती है। अब इसमें ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब आप संतुष्ट हो सर? हाँ जी, मैं सैटिस्फाइड। ओके, चलो प्लीज़ अगर कह दीजिए फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अरुण जी के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, तो जो अपने चैनल का नाम है वो है जय कृष्ण कार एक्सेसरीज, तो करिए। ओके, मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है।